हे एवरीवन, द वाचर शो के कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एवेंजर कैंग डायनेस्टी के इशू 2 को कवर करूंगा। तो बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया से, जहां कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक नाइट और कुछ शील्ड एजेंट साथ में हैं। और वहां पर रेडियो एक्टिविटी स्पाइक के कारण अवेंजर को एक टीम के साथ साइबेरिया भेजा गया है। तब थॉर अपनी टीम से कहता है, क्या ये वही जगह है? इस पर शील्ड एजेंट अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन कर बोलता है, अब हमें यहाँ 7 घंटे हो गए हैं और हमारी नेशनल सुपर टीम विंटर गार्ड के जवाब की तलाश में जा रही है। फिर कैप्टन अमेरिका शील्ड एजेंट से पूछते हैं, क्या उनसे कोई जवाब आया? इस पर शील्ड एजेंट कहता है, ये आपके आने के जस्ट पहले का है कैप, ये इनका आखिरी ट्रांसमिशन है जो अब हम सुन रहे हैं। फिर शील्ड एजेंट अपने ट्रांसमिशन डिवाइस को विंटर गार्ड के लास्ट भेजे हुए मैसेज को सुनता है, जो पूरा रशियन में होता है। ये सुनकर कैप कहते हैं, उसने क्या कहा? क्विक सिल्वर, तुम्हें रशियन आती है ना? इस पर क्विक सिल्वर कहता है, हाँ हाँ मुझे आती है। उन्होंने कहा कि रिसर्च सेंटर को खाली करा दिया गया है, वायलेंस के संकेत तो हैं लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली और यहाँ कोई भी नहीं है। फिर उनसे कुछ दूरी पर एक धमाका होता है। ये देखकर कैप बोलते हैं, उनको वहाँ होना चाहिए, ऐसा लगता है कि ये केवल 1 या 2 मील दूर हैं और ये जो कुछ भी है वो हमसे बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ मैनहट्टन में यूनाइटेड नेशन पर 1 मिनट पहले लेजर बीम का हमला हुआ और वहाँ एयर डिफेंस एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हो रही है। जमीन पर फोर्सेस ने अपनी पोजीशन ले ली है और कैंग ने एक एनर्जी बबल में किसी को बिना नुकसान पहुंचाए सभी राजदूतों और अवेंजर को अपने सामने मौजूद किया हुआ है। फिर वास्प अपने टीम को अलर्ट करते हुए कहती है, टीम हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसी के साथ शील्ड डिटेक्ट करता है डेमोक्लिस वेस को, जिसने यूएन पे हमला किया था। फिर सेंचुरियन सभी को शांत कराते हुए बोलता है, साइलेंस एवरीवन, अपनी फुसफुसाहट बंद करो और कैंग द कॉन्करर के शब्दों पे ध्यान दो। इस पर कैंग बोलता है, मुझे लगता है ये काफ़ी है स्कारलेट सेंचुरियन, उनका ध्यान अब हम पर है। और अवेंजर, मैं यहाँ तुमको मारने नहीं आया हूँ, आज नहीं तुम पहले ही मर चुके होगे, मैं सिर्फ यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। अब अपना ध्यान ओमनी स्क्रीन पर लगाओ और मैं कुछ तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। फिर हम देखते हैं कैंग उनको ओमनी स्क्रीन पर उनके फ्यूचर दिखाता है, जहाँ रेडियो एक्टिव सोल्जर पूरे अर्थ पर भटक रहे हैं और स्पाइडरमैन का मास्क, आयरन मैन का सूट और विजन की बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। कैंग ओमनी स्क्रीन पर उनके फ्यूचर को दिखाते हुए बोलता है, तुम ये सोच रहे होगे ये भविष्य कैसे मुमकिन होगा, ये सोल्जर पूर्व से आए थे और जब कोई इनको रोकने की कोशिश करता तब ये संख्या में और अधिक हो जाते थे। फिर हम ओमनी स्क्रीन पर द थिंग, स्कारलेट विच, गोलाइथ, कैप्टन मार्वल, वंडरमैन, विजन को लड़ते हुए देखते हैं। इन सब के बारे में कैंग अवेंजर को बताता है, वो लिविंग डेथ रेडियो एक्टिव सोल्जर हैं जिनको सिंगल कम्युनिकेशन माइंड से निर्देशित किया जाता है और वो अपनी पावर से जिस किसी को छूते हैं तो वो उनको खुद की तरह बदल लेते हैं। दुनिया ने इनसे लड़ना चाहा लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला और कुछ इंसानों ने बचे रहने की कोशिश की लेकिन हवा और पानी बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई थी और यहाँ तक अगर कोई बचता तो वो उनको भी पकड़ लेते। तुम कुछ नहीं कर सकते, अंत में सब उनका शिकार हो जाते हैं और रूपांतरण होकर वो अपने भाइयों में शामिल हो जाते हैं। इस जुड़ाव से वो मनी मन में कम्युनिकेट करते हैं जो इस दुनिया को बहुत बड़ी जाली से घेर लेते हैं और ये पृथ्वी को एक परमाणु से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। वो अपनी पहचान खो देते हैं और अपने विचारों की शांति में डूब जाते हैं। वो अपने कम्युनिकेशन से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयास नहीं करते, न प्रजनन न लड़ाई। मानवता कम से कम इस चीज़ को जानती थी लेकिन वो अब मर गई है। फिर कैंग ये फ्यूचर दिखाकर सारे एवेंजर्स और वहाँ पे सभी लोगों से कहता है, ये संभव है कि इस भाग्य से बचा जा सकता है लेकिन मानवता यहाँ अगर इस खतरे से बच जाती है, क्या तुम इससे बड़े खतरे का सामने करने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे पास कोई बचाव है? क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि वो इस समय कहाँ पर हैं। इन सब के बीच कर्नल एजेंट की कॉल रिसीव करता है और कहता है कि मैं तुमको सुन सकता हूँ। फिर कैंग रेडियो एक्टिव सोल्जर के आगे का फ्यूचर बताते हुए उन लोगों से कहता है, शायद अगर तुम भाग्यशाली हुए तो यही भविष्य नहीं है जिसका तुम सामना करोगे। फिर कैंग अवेंजर को रेडियो एक्टिव सोल्जर के आगे का फ्यूचर दिखाता है और कहता है, अत्यधिक औद्योगिकरण धन और शक्ति को एक ऊंचे वर्ग के लोग सेंटर बना लेंगे और रोबोट काम की जगह ले लेंगे जिनसे काम करने वाले लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी और इसके रिजल्ट में बहुत दंगे होंगे और इस चीज को सरकार भी नहीं संभाल पाएगी और सरकार कोऑपरेटिव शक्तियों की कठपुतली बन जाएगी, राष्ट्रियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इंसानों के लिए कोऑपरेटिव पद ही जीवित रहने की एक संपत्ति बन जाएगी और इस युग में बहुत ही कम स्वतंत्र मानवता के अवशेष हैं। पैक्स में रहना, जानवरों की तरह रहना, तकनीकी के लिए साफ सफाई करना और कोई भी उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता तो वो उनको खत्म कर देते हैं।
तुमको लगता है कि तुम उस भाग्य से बच सकते हो? और क्या तुम एक विद्रोही के हाथों अपने चंद्रमा के विनाश को बचा सकते हो? फिर कैंग इससे भी आगे का फ्यूचर दिखाता है और कहता है, एक ग्लोबल विंटर, एक और सभ्यता बिखर गई। क्या तुम अपने आप को अंतरिक्ष से आने वाले आक्रमण से बचा सकते हो? मंगल ग्रह का एक बड़ा अभियान जो इस पूरी दुनिया को अधीन कर लेगा, जनसंख्या समाप्त हो जाएगी और जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर कैंग उनको अगला फ्यूचर दिखाते हुए बोलता है, ऐसे खतरे आएंगे जो कई और ढंग के होंगे। एक खतरनाक नॉर्थ रैग्नारॉक, एक एल्डर गॉड चिथोन, जिसके साथ ये पृथ्वी उसके इन्फेक्शन से भर जाएगी और सूरज पृथ्वी के इतने पास आ जाएगा कि वो समुद्र का पानी उबाल देगा। होमो सैपियंस सुपीरियर यानी म्यूटेंट, जो मानवता को अपने गुलाम बना लेंगे और ये म्यूटेंट्स तुम्हारे बीच में हैं और तुम्हारे सुपर हीरो काम के कारण अंत अंतरिक्ष से आने वाले एलियन से कैसे लड़ोगे, जो सत्ता और क्षेत्र के साधारण लालच में तुम पे हमला करेंगे और हो सकता है क्या इससे अधिक भी कोई रहस्यमय कारण हो। अंत करीब आ सकता है क्योंकि तुम्हारा खुद का विज्ञान ही इस दुनिया को अंत में भेज रहा है। फिर कैंग उनको अल्ट्रॉन की जीत का एक फ्यूचर दिखाकर कहता है, तुम्हारी क्रिएशन तुम्हारी वजह से इस अंजाम में है। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में खुद की रक्षा करने वाले राष्ट्र आज क्षतिग्रस्त हैं। कैंग उनको सीक्रेट वॉर में होने वाले दो अर्थों के टकराव को दिखाते हुए कहता है, एक दोषपूर्ण कंप्यूटर के सर्किट द्वारा ट्रिगर किए जाने पर कॉस्मिक स्केल पर इतनी तबाही ला सकता है और एक ही ऑर्बिट में दो पैरेलल पृथ्वियों का कोलाइड होगा। फिर कैंग फ्यूचर दिखाने के बाद सभी एवेंजर्स और राजदूतों से कहता है, ये सारे विजन 1000 से भी ज्यादा है और मेरे शब्दों को चिन्हित कर लो इस सदी के लोगों, तुम्हें ये पता नहीं तुमने कितनी खराब स्थिति का आविष्कार किया है। आई एम टाइम ट्रेवल, मैंने इन सभी को अपनी दो आंखों से देखा है। ये सुनकर विजन अपनी टीम से कहता है, हमें कुछ जल्दी ही करना होगा। इस पर टाइथ्रोन कहता है, हाँ, अगर हम कैंग को जल्दी हरा दें तो हम कैंग को कट ऑफ कर सकते हैं। ये सब सुनकर स्कारलेट सेंचुरियन टाइथ्रोन से कहता है, बस बंद करो एवेंजर, मैं आगे युद्ध नहीं चाहता। फिर वास्प एवेंजर से कहती है, रुको, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ये सब कैंग का एक खेल है, कम से कम अभी के लिए पहले उसकी बात सुन लो। इस पर सेंचुरियन वास्प को थैंक यू बोलता है और कैप्टन मार्वल से कहता है, मुझे इसकी जरूरत के लिए खेद है, मुझे लगता है शायद ये जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारे बीच शांति होगी। स्कारलेट सेंचुरियन की आवाज सुनकर कैप्टन मार्वल थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तब विजन कैप्टन मार्वल से कहता है, सेंचुरियन तुमको इतना अजीब क्यों लग रहा है? इस पर कैप्टन मार्वल घबराते हुए कहती है, इसकी आवाज, नजर, इसकी आंखें और नजरिया, ये मार्कस है। इन सबके बीच कैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मानवता वास्तव में एक विश्वासघाती रास्ते पर है और आने वाला समय कठिन होगा और तुम्हारी एकमात्र आशा है ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें अनगिनत भविष्य दिखाए हैं, जो तुम्हारे शुरुआती विश्वासघाती के रास्ते से तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है और इस बार मानव जाति के जन्म स्थान से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा सितारों में एक शानदार भाग्य के लिए। ये सुनकर मिस्टर सेक्रेटरी कैंग से कहते हैं, ये काफी है कैंग, तुमने हम पर हमला किया, हमारी जगह नष्ट कर दी, वायलेंस की धमकी से हमें यहाँ रखा हुआ है और अब तुम अपनी मदद की पेशकश करते हो। फिर मिस्टर सेक्रेटरी अपने कमांडर को ऑर्बिट बेस में डेमोक्लिस पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ मिसाइल डेमोक्लिस पर हमला करती हैं। आकाश बिजली की एक शानदार तीव्र से चमकता है और फिर कैंग अपनी ओमनी स्क्रीन पर डेमोक्लिस को दिखाते हुए उन सबसे कहता है, धोखे के लिए मुझे क्षमा करो मिस्टर सेक्रेटरी, मैंने तुम्हें तुम्हारे लोगों से संपर्क करने की इजाजत दी थी और मैंने ही डेमोक्लिस बेस को खोजने की इजाजत दी है। जैसा तुमने देखा कि मैं तुम्हारी तकनीक से आसानी से रक्षा करने में सक्षम हूँ और तुमने यहाँ मेरे उद्देश्य को गलत समझा। मुझे डर है कि यह सहायता का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ये एक युद्ध की घोषणा है और मैं इसे बचाने के लिए पृथ्वी को जीतूंगा। बेशक मैं तुमको आत्मसमर्पण का पूरा मौका दूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तो अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। फिर कैंग एवेंजर उन सभी लोगों को बताता है, मेरी सेना स्पेस और टाइम दोनों में हजारों दुनिया को हरा चुकी है। हम फ्रांस और जर्मनी पर पहला कदम उठाएंगे और हमारी सेना समुद्र तक फैल जाएगी। यूरोप 3 हफ्ते में गिरा दिया जाएगा और मेरे सबसे काबिल योद्धा का अनुमान है कि हम 26 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे और इसके बाद बाकी दुनिया बहुत आसानी से समर्पण करेगी। तुम्हारे सो कॉल्ड हीरो एजुकेशन से गुजरेंगे जो उनको वफादार सैनिक बनाएंगे और दुनिया की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। उनको सही जगहों पे आदेश दिया जाएंगे और जेनेटिक स्कैनिंग से मानव के सर्वोत्तम रूप को अलग कर दिया जाएगा ताकि सर्वश्रेष्ठ लोग ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक मजबूत, कठिन, अधिक और सक्षम मानवता का निर्माण करेंगे। पृथ्वी का उद्देश्य गौरवशाली उद्देश्य होगा और महान युद्ध की तैयारी से आने वाले खतरों का बचाव करेंगे। मानवता का रूप एक नया भाग्य से प्रकट होगा। ये सुनकर मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं, तुम कभी सफल नहीं होगे, दुनिया तुम्हारे खिलाफ एकजुट होगी। इस पर कैंग बोलता है, ये होगा मिस्टर सेक्रेटरी,
दुनिया की सरकारें मेरे खिलाफ एकजुट होंगी, हाँ, लेकिन लोग इसे थोड़ा दूसरी तरह समझते हैं। दुनिया भर की सरकारें आखिर क्या करती हैं? सिर्फ अनिश्चितता और विश्वव्यापी आपदाओं की संभावना, जबकि दूसरी ओर मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, एक लोहे का हाथ, हाँ, लेकिन एक निश्चित हाथ, एक वादा कि पृथ्वी के लोग जीवित रहेंगे और एक शानदार स्टार स्पेनिंग साम्राज्य बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ पृथ्वी की सरकार मेरी बात नहीं सुनना चाहती, पर उसके लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। फिर हम देखते हैं कैंग ने पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में लोगों के घर टीवी, फोन, इंटरनेट और रेडियो पर ये टेलीकास्ट कर दिया था। ये सब देख के मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो लेकिन दुनिया तुमसे लड़ेगी, अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर इनसे लड़ने का तरीका खोज लेंगे। इसका जवाब देते हुए कैंग कहता है, मैं आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि मैंने तुमको एक प्रस्ताव दिया और मैं इस फोर्स फील्ड में रेडियो संचार की अनुमति दे रहा हूँ, तब आपको पता लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है। फिर जैसे ही कैंग फोर्स फील्ड हटाता है, तब आयरन मैन को पता लगता है इस लैंड में अटलांटियन ने हमला शुरू कर दिया और हुआई सिटी चाइना में भी डिवियंस का हमला शुरू हो गया। मिलिट्री सुपर विलन और यहाँ तक कि रैंडैग मिलिट्री कैडर लगभग मानो वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हो। कैंग अवेंजर और उन सभी लोगों से कहता है, आखिर तुमने पा लिया जो तुम्हें पाना था, युद्ध बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, मेरी सेना ने अभी तक किसी एक पर भी गोली नहीं चलाई और मुझे आशा है कि तुम कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाओगे, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ ताकि मैं यूरोप में आने वाले हमलों की तैयारी कर सकूँ, लेकिन इसे भी समझ लो, मुझ पर या मेरे बेटे पर हमला करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, डेमोक्लिस बेस रिस्पॉन्ड करेगा और इस बार किसी पे कोई दया नहीं होगी। ये बोलकर कैंग फोर्स फील्ड को हटा देता है और फिर हम देखते हैं हजारों हथियारों के साथ फोर्सेज ने उस फोर्स फील्ड को चारों ओर से घेर लिया था। उनमें से एक कमांडर फायर करने का ऑर्डर का इंतजार करता है, जिसके जवाब में उसको होल्ड ऑन पोजीशन का आदेश मिलता है। फिर कैंग उन सबको कहता है, मुझे नहीं पता तुमको ये सब कितने अच्छे से समझ में आया, मैंने तुम्हें भविष्य के बारे में चेतावनी दी थी, अपने पूर्व में देखो एवेंजर, क्योंकि ये सब शुरू हो चुका है। ये बोलकर कैंग वहां से चला जाता है और उसी पल हम पूर्व में टीम कैप को देखते हैं, जिनसे थॉर कहता है, कैप मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। इस पर कैप कहते हैं, यहाँ कोई नहीं बचा थॉर, क्विक सिल्वर क्या तुम्हें कोई बैटल साइन दिखाई दिए? क्विक सिल्वर कहता है, नहीं, कोई कैसे बता सकता है, ये पहले ही इतना अजीब और डरावना है। फिर इस पर कैप कहते हैं, रुको, वो आवाज शायद कोई जिंदा है। फिर ये आवाज मलबे के नीचे से आ रही होती है। कैप उस मलबे को हटाते हैं, तब उसके नीचे डार्क स्टार दिखाई देती है जो उनसे कहती है, एनुलसिया शुरू हो गया है, वो वापस आ गया है कैप, लौट जाओ, और वो अपने साथ सभी लोगों को ले गया है। इस पर कैप घबराते हुए कहते हैं, कौन कौन आ गया? फिर उसी पल ग्रीन लाइट के साथ प्रेजेंट्स उनके सामने आता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ मेरे साथ नया सवेरा ला रहा हूँ और तुम सब लोग एक नए जीवन के आशीर्वाद के लिए तैयार रहो। और यहीं पे इशू नंबर 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी हम 4K सब्सक्राइबर के करीब होंगे और इन सबको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।